सच्चा बंदा। हेलो हेलो, हेलो गली भाई, नमस्कार। नमस्कार हेलो भाई, गली क्या भाई, हाल है? नमस्कार। नमस्कार भाई, आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार। हाँ, आ रही है ओके। गली भाई। गली भाई, वो पंजाबी में कहावत सुनी है, कट्टे वाले कर लस्सी पाल दिया। क्या कटियाने हेलो, का लस्सी पाल रही है? अच्छा, लस्सी पाल दिया हाँ अच्छा, वो मतलब जिसके घर भैंस नहीं भैंसा होता है, उन्हें छोटा बोल दे। जिन उसके घर कोई लस्सी लेने आता है तो उसको बोलते हैं। तो वो जो अब आपका वीडियो आता है तो वो जाकिर नाइक वगैरह वो चंदा मांगने आ जाते हैं मस्जिद। हाँ देख लें बस। फिर इसका मतलब है कि ज्यादा मुसलमान देख रहे हैं, इसी वजह से वीडियो आती है भाई। वीडियो पे जाकिर हाँ नायक आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, सही लोगों तक वीडियो पहुंच रही है ना, समझ आ रही है बात। फिर हाँ अच्छा, इसका रीजन रमजान सीजन भी आने वाला है ना, इसमें मौलवियों की हाँ, इनकम ये होती इनकी कमाई का सीजन है, इसीलिए है। हाँ, गालिब की वीडियो फितरा पूरी मिलेगा जाती है। इनको, हाँ जकात फितरा जो भी इस महीने रखा गया वो सब मिलता है इनको। और यार मस्जिद इस भी पे वो एक बात स्कैंडिनेवियन बताएं नॉर्वे में गालिब। बना रहे हैं। हाँ, हाँ एक जी, मेरा क्विक क्वेश्चन है कि मेरे एक दोस्त का रिबटल कैसे इसको देंगे, जो लोग कहते हैं कि हम एक दफा बात कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई इस्लाम में देखो खुदकुशी कर ली एक बाप ने बच्चों के, तो एक गुर्बत फैल रही है। तो मेरा एक मोमिन दोस्त है, उसने कहा कि अगर जकात पे अमल हो जाए तो गुर्बत खत्म हो जाए। इसका रिबटल क्या हो सकता है आप लोगों की नजर में? आई थिंक जकात जकात अगर वाली लगे, क्वेश्चन जकात अगर हो तो गुर्बत खत्म हो जाए। झूठ है बिल्कुल, कोई नहीं है है। ऐसी ये बात। देखे ना, मोमिनों को ये टूल दिया ढाई गया ना, परसेंट से मोमिन क्या होता है? इसको। 2% से क्या होता है? दुनिया 50-50% टैक्स ले रही है, तब जाके वेलफेयर स्टेट चलती है। 2.5% से कुछ नहीं होता जी। तो इसमें मेरे एक और भी बड़ा अच्छा, एक और एथियस दोस्त ने अच्छा जवाब दिया। एक और चीज है कि आप जितने भी रिलीजन दे लेना, ये व्हाट इफ पे चलते हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, ये सब ख्याली हाँ दुनिया नहीं है कि जकात हो जाए तो ये हो जाएगा, अगर हजरत मेहदी आ जाए तो ये हो जाएगा, अगर काली माता ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाएगा। ये जो डॉगमेटिक लोग होते हैं, मजहबी लोग होते हैं, वो उस पे बहुत चलते हैं, अजम्पशंस पे, रियलिटी पे बात नहीं करते कि आज की दुनिया क्या है। एक और बात, मैं इसका एक और रिबटल सोच रहा था, क्या पाकिस्तान टैक्स नहीं देता है? जो आप जकात की बात कर रहा था मेरा दोस्त, जैसे इमरान खान बोलता है ना भाई, टैक्स तो आप फोन का बिल 100 रुपए का भिजवाते हो, वारिद का, टेलीनॉर का 40 रुपए कट जाते हैं। सही, मेरे जमाने में तो कटते थे, 40 रुपए कट जाते हैं 100 रुपए में। ठीक है, अगर 30 रुपए कटते हैं तो ये टैक्स भी तो जकात की तरह हो, ये इस्तेमाल हो रहा है क्या गरीबों पे? क्या इसका आंसर है इन लोगों के पास कि भाई जकात बोलते हो, भाई टैक्स भी तो जकात ही होता है भाई। नहीं, जकात लैदा होती जी। जकात बैतुल माल में जमा होती है, और जो टैक्स होता है वो कौमी खजाने में जमा होता है। कौमी खजाना बैतुल माल नहीं है और बैतुल माल कौमी खजाना नहीं है। प्रॉब्लम ये है असल में सारी। हैं, ठीक है तो बैतुल माल मतलब ये लफ्जों पर ही अटके हैं अभी तक। और आपको पता है कि जकात जो है वो सिर्फ और सिर्फ, वो जकात जो है वो रोड बनाने पे इस्तेमाल नहीं हो सकती। जकात जो है वो मस्जिद बनाने पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। जकात सिर्फ यतीमों बेवाओं को देनी है, ठीक है, यहाँ वो जहाद में काम आ सकती है, बस यही है, और तो कुछ नहीं है। अब क्या करें यहाँ पे? अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारे टैक्स माफ कर दें, जकात लेनी शुरू कर दें, तो मुल्क में तो कुछ सड़क भी नहीं बननी कोई भी, क्योंकि गैर इस्लामी है सड़क बनाना जकात के पैसे से। तो जकात जो है वो किसी फायदे का टैक्स नहीं है, बस ऐसे ही फजूल सा टैक्स है। और 2.5% तो कुछ भी नहीं होता जी, कुछ भी नहीं होता। और क्या अब कहा जाए? चलें जी। अच्छा, सच्चा बंदा, ठीक है जी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ, जी। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हेलो, मैं एक अच्छा, कहानी कितनी सुनाना लंबी चाहता हूँ। मेरी है सिक्स की कहानी क्लास में थी कसौटी, बस यार? दो दो अच्छा ढाई मिनट की है। उसमें क्या होता है कि मेरे जैसे कोई 15-20 कोई भगत पंडे होते हैं, वो पंडित है, वो क्या 70 लोगों को लेके, और वो क्या चार धाम की यात्रा होती है। हिंदुओं में चार धाम होते हैं, वहां जाते हैं। तो अच्छा रास्ते में क्या, वो पैदल चलते हैं, तो जाते हैं तो सावन का महीना होता है, एक बीच में मैदान में फंस जाते हैं। वो बहुत मतलब भयंकर बारिश होने लगती है और बिजली कड़कड़ा के, वो बार बार बिजली ऐसे नीचे आती है। तो वो 70 लोग, एक बोर्ड दा होता है ना, पीपल या बोर्ड वट के बोल नीचे देते बैठ हैं जाते जिसको, हैं। हाँ बोर्ड का पेड़ है। हाँ, नीचे वेरी बैठ गुड। जाते तो मेरे का पंडा कहता है वो बिजली बिजली बार बार नीचे आती है फिर वापिस चली जाती है, वो गिरती नहीं मतलब। तो पंडित हैं। कहते अपने 70 बंदे हैं, उनमें से एक कोई पापी है और ये बिजली उनको लेने आई है। तो अपन एक काम करते हैं, वो सामने एक और पेड़ होता है, सब वहां बारी बारी से जाके उसके हाथ लगा के आओ, जो पापी होगा बिजली उस पर गिर जाएगी। एक एक करके 69 बंदे जाते हैं, लास्ट वाला कोई गरीब बच जाता है, उसको सारे बोलते हैं तू है पापी, ये बिजली तेरे पे अच्छा गिरनी है।
हाँ तो लास्ट में वो फिर बंदा जाता नहीं, उसको डर लगता है भी, तो उसको धक्का दे के वो निकाल देते, वो बंदा भाग के उस पेड़ के पास जाता है, इतने बिजली गिरती है 169 पे सारे मर जाते वो बच जाता है। हैं वो बच अच्छा, जाता। और जैसे मैं आप हेलो 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 ना भाई सच्चा तो उस बंदे ने आप बताया कि जब आदमी पैदा मिस होता हो गए है, हैं भाई पीछे सारे, आप पीछे हेलो, सारे मिस हो गए हैं। हाँ तो वो कहता है जब बंदा पैदा होता है वो अनपढ़ गवार जाहिल होता है, वो शूद्र होता है एकदम। जब वो पढ़ लिख जाता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है, उसको नॉलेज की रोशनी मिलती है, तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो अच्छा जो अनपढ़ जाहिल होते हैं शूद्र, वो एकज हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी, आप जो मानो मैंने बता दी। अब भक्तों की मैं आता हूँ कैटेगरी में, आप मोमिन मोमिन बुलाते रहते हो, मेरे जैसा भक्त आता है, मैं 4 घंटे से मेरा नेट खत्म हो गया, मैंने दूसरे के वो क्या है हॉटस्पॉट लेके के बात कर रहा हूँ अच्छा आपसे। तो चले ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू ओके। अच्छा यार अगर दूसरा जन्म हो जाता पढ़ने के बाद, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बन जाता फिर? वो तो नहीं बन सकता भाई कोई भी ब्राह्मण, ब्राह्मण तो जो पैदा हुआ वही है और मरेगा जब, तो तब तब भी ब्राह्मण से मुक्ति होगी। ठीक है